और चलिए इसी बीच ग्वालियर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी ग्वालियर से, जहां पर मेजर सिंह सरदार पर इनाम घोषित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने 5,000 रूपये का इनाम रखा है और आरोपी ने ही एक शख्स की हत्या की थी, जिस पर 5,000 रूपये का इनाम पुलिस ने रखा। दूसरे शख्स की हत्या कर आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा है। मेजर सिंह सरदार पर 5,000 रूपये का इनाम पुलिस ने घोषित किया। आपको बता दें कि आरोपी ने एक शख्स की हत्या की थी, जिसके बाद लंबे समय से आरोपी फरार चल रहा है। मेजर सिंह सरदार पर अब पुलिस ने 5,000 रूपये का इनाम घोषित किया है। और हमारे संवाददाता मनोज लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अब जी मनोज, क्या है पूरी जानकारी? ग्वालियर जिले के करैया थाना क्षेत्र के ईटमा के अंतर्गत की घटना है, जहां बात की जाए कि जो मेजर सिंह सरदार है, जिन्होंने तलवार से कल्लू गौड़ और एक अन्य पोती गौड़ की हत्या के प्रयास के मामले में ये लंबे समय से फरार चल रहा है, जिसे गिरफ्तार अब तक पुलिस नहीं कर पाई है, जिसको लेकर न्यायालय के द्वारा भी फटकार पुलिस को लगाई गई है। वहीं न्यायालय के द्वारा पुलिस को आदेश भी दिया गया है, अगर आरोपी 13 दिसंबर 2021 तक अगर हाजिर नहीं होता है तो उसकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांगी के द्वारा 5,000 का इनाम आरोपी मेजर सिंह के खिलाफ आदेश जारी कर दिया है। इनकी गिरफ्तारी को लेकर यह आरोपी, मैं आपको बता दूं, मोनका लंबे समय से फरार चल रहा है। एक हत्या का मामला और हत्या के प्रयास का मामला इस पर दर्ज है। ये लंबे समय से फरार होने के कारण गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था, इसी के चलते अब ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी के द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रूपये का इनाम घोषित कर दिया है। अब पुलिस का वही कहना है कि इस इनाम के बाद जल्दी आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी मोनका। ठीक मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।